हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। अभी मैं हूं भाभी जी घर पर है के सेट पर, लेकिन भाभी जी घर पर है को घर घर पर जिसने पहुंचाया, उन किरदारों को आपके जहन में जिसने बसाया, जिसने आपको रोज हंसाया, उनके जो राइटर हैं, उनके जो अहम व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं। मनोज संतोषी, वेलकम टू जॉइनफिल्म्स वाला। थैंक यू जी, थैंक यू वीरेंद्र जी। आप हवा भरवा लिए अच्छे से? भाभी जी, हमारी हवा तो ऑलरेडी बहुत टाइट है, आप बैठिए ना प्लीज। अरे कम। हां हां, ठीक बा ठीक बा। तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। अरे तुम हमारी पत्नी हो, सेठ मनमोहन तिवारी की पत्नी। तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना कम नहीं है कि तुम इस घटिया आदमी की घटिया सी साइकिल पर बैठकर सैर करो, समझी? सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, मनोज भाई, एक वक्त हुआ करता था जब राइटर का एक ब्रांडिंग हुआ था सलीम जावेद, और अब टीवी में एक ब्रांडिंग हो गई है मनोज संतोषी। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में जो है बुलाया, और मैंने पिछले भी कई इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके, तो बहुत ही अच्छा आप इंटरव्यू करते हैं, बड़े जहनत वाले सवाल करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ओके, दूसरा आपने कहा सलीम जावेद, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ अभी तो। ये लोग तो दादा गुरु लोग हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं बस, और हल्का सा और कुछ नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि एक जो नाम से दर्शक जब पहचानने लगते हैं, ये एक राइटर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि बहुत ज़्यादा बार उनका काम तो पहचाना जाता है लेकिन नाम नहीं पहचाना जाता, लेकिन वो आपके साथ हुआ है, और ये इसके लिए वाकई मेहनत तो लगी होगी। कितने साल की लग गई मेहनत? मेहनत तो खैर हम लोग पिछले इंडस्ट्री में तो पिछले 20 साल से हैं। हाँ हाँ, 20 साल का स्ट्रगल है। मेरे मित्र हैं अनूप उपाध्याय है, शशांक बाली जो डायरेक्टर ऑफ भाभी जी घर पे हैं, तो हम लोग साथ के दोस्त हैं, और पिछले 20-22 सालों से हम लोग जूझ रहे थे। तो बस उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए और ये सब हो गया। ओके, तो आपने बोला शुरू से ही दोस्त थे और 20 साल की दोस्ती हो गई। नॉर्मली कहा जाता है कि जैसे सफलता आती है तो दोस्त सबसे पहले छूटते हैं, लेकिन आप शिखर पे सब लोग एक साथ ही जमा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, अच्छे दोस्त होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में अच्छा काम कर सकते। राइट, ऐसा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे दोस्त होने के साथ साथ आपके अंदर जो अच्छी केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। तो वो हमारे में ऐसा मुझे लगता है कि शशांक ने और हमने जो है यस बॉस वो डायरेक्ट करते थे और मैं यस बॉस लिखता था, हम लोगों ने 8 साल काम किया यस बॉस पे। तो उस दौरान जो केमिस्ट्री बनी हमारी, उसके बाद एक लंबा वक्फा आ गया बीच में, तकरीबन नहीं तो 6-7 साल का वक्फा आ गया। बीच में मेरे पास में भी काम नहीं था, तो शशांक चूँकि उसमें FIR में बिज़ी हो गए थे, तो उस वो किसी और के साथ काम कर रहे थे, और मैं यहाँ पर जो है अपना स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहा था। इसी दौरान भाभी जी का ऑफर आया, लेकिन वो भी नया चैनल था, ZTV ने बुलाया। और देखिए, आज NTV जो पहचाना जाता है वो भाभी जी की वजह से, क्योंकि उसके ही रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं और बार बार लोग उसको देखते हैं और खुश होते हैं। मनोज भाई, आप जब इंडस्ट्री में 20 साल से हैं, तो क्या तय करके आए थे आप कि आपको राइटर बनना है या और कुछ? पहले एक्टर के तौर पर आजमाने की कोशिश की। ओके, तो देखा हमसे अच्छी अच्छी शक्ल वाले लड़के घूम रहे हैं, तो वो इरादा तो त्याग दिया हमने। थिएटर किया बतौर एक्टर, लेकिन सिनेमा में एक्टिंग करने के बारे में फिर भूल गए हम लोग, कई बार लताड़ दिए गए, तो उस वजह से हमने फिर छोड़ दिया वो इरादा। उसके बाद सिंगिंग में आजमाइश की, तो म्यूज़िक में तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने कई सीरियल का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया, फेमस सीरियल्स का। ओके, मेरे एल्बम भी आए, गज़लों का एल्बम आया, एक फिल्म है, 2-4 फिल्में लटकी हुई हैं, अच्छी फिल्म है, डिसेंट। वो किस्मत की बात है कि वो रिलीज़ नहीं हो पाई, तो उनका म्यूज़िक भी दिया। तो उसके बाद में फिर उतना जो मिलना चाहिए था म्यूज़िक में, जो वो नहीं मिला, मज़ा नहीं आ रहा, और अचानक इसी दौरान फिर ये भाभी जी का वो हो गया, तो फिर मैंने पूरा अपना ध्यान पूरा इधर ही राइटिंग पे लगा दिया पूरी तरह से। वो ऐसा हो गया। तो राइटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? राइटिंग की शुरुआत तो देखिए, वो भी एक इत्तेफाक था कि मैं यहाँ एक्टर बनने आया था। एक्टर बनने आया था तो अशोक पटोले साहब हमारे उस्ताद थे उस टाइम, श्रीमान श्रीमती लिखते थे, वो बहुत सारे सीरियल देखते थे, बड़े बहुत बड़े राइटर, मराठी के तो गजब के राइटर थे, हिंदी में भी इतना बेहतरीन काम किया, पंच कॉमेडी को इंट्रोड्यूस कराने वाले अशोक पटोले साहब। राइट राइट, श्रीमान श्रीमती से आज भी वो शो आप अगर देखें तो श्रीमान श्रीमती का ही मॉडर्न वर्जन जो है भाभी जी घर पे। राइट राइट, एक्सटेंशन है उसका। राइट, तो मैंने उनको असिस्ट किया, और उनकी असिस्ट क्या करता था कि उस टाइम पे, मतलब आज से आप अगर देखें तो 1998 की बात है, तो उस टाइम पे ये कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा चलन नहीं था। राइट राइट, हैंड रिटेन ही स्क्रिप्ट जो है चलती सेट पे चलती थी, तो अशोक पटेल साहब की राइटिंग जो थोड़ी वो गड़बड़ थी,
तो कहते थे भाई तुम मुझे मेरी कॉपी कर दिया करो और 100-150 रुपये जो भी एपिसोड के मिलेंगे वो तुम ले लिया करो। अच्छा, तो वो कॉपी करते 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 कब मैं राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। ओके ओके, वैसा हो। तो कभी कभी डेस्टिनी भी डिस्कवर कराती है कि क्या एक्चुअली करना है और वहाँ से फिर निकल के चीज़ें आती हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये कतई ही नहीं सोचा था कि मैं राइटिंग में इतना अच्छा काम कर लूँगा, या मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। यकीन तो लोगों को भी नहीं होता है कि वो जो आपके पंच होते हैं उस पर जो हंसते हैं, अभी भी वो यही सोच रहे होंगे कि इतना सहज भाव से बैठा हुआ ये व्यक्ति क्या वाकई उस तरह की कॉमेडी लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो इतने आप नॉर्मल रहते हैं, आप भी देखें पिछली बार शशांक भाई से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये कॉमेडी कहाँ से निकल के आती है? ये कॉमेडी देखो आमद होती है। हाँ, जब तक मज़ा नहीं आए तब तक समझ लीजिए कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सीन लिख रहे हैं तो खुद भी वैसी गुदगुदी फील होती है? बिल्कुल, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कई कई बार हम स्टोरी बनाते हैं। हाँ। साथ में हम शशांक हम लोग सब बैठ करके स्टोरी लाइन अप किया, उसका स्क्रीन प्ले बन गया तो बहुत अच्छा बन गया। अरे भाई आज इस बार ये स्टोरी आ रही है कि अंगूरी इसमें भूतनी का रोल कर रही है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि अब इसकी मैं सीन जब बनाऊँगा तो कैसे बनेंगे। हाँ। एक एक्साइटमेंट होता है। और जब मैं लिख रहा होता हूँ तो जैसे हॉरर लिख रहा हूँ तो रात में मैं डर जाता हूँ लिखते लिखते, इतना करेक्शन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी हंसने भी लगता हूँ, और मुझे भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे लग्जरीज में नहीं लिखने की आदत है। मैं ज़मीन पे बैठ कर लिख सकता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे भी लिख सकता हूँ। मैं बरातों में मैंने लिखा है भाभी। ओह कमाल है। मैंने डेथ बेड पे भी लिखा है। मैं जब मेरा 2.5 जो है मेरा वो हीमोग्लोबिन हो गया था बीच में, ओ साल भर पहले की बात है, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो भी मैं लिख रहा था हॉस्पिटल में। और मैंने आखिरी सीन जो है लिखा और कट्टू किया और मैं बेहोश हो गया। ओ ये कनेक्शन, इतना करेक्ट। उसके बाद दूसरे दिन होश आया मुझे, तो इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल मनोज को भी डिस्टर्ब मत करना एक हफ्ते तक, कैसे कैसे करके कुछ काम चलाया। तो हमारे एक और साथी राइटर हैं रघुवी शेखावत जी, हमारे बड़े सीनियर हैं, तो उन्होंने भी सारी चीज़ों को संभाला। ओके, तो हम लोग एक टीम है तो एक दूसरे के लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। ओके, जैसा बताया मनोज भाई ने कि वो गली मोहल्ले में लिख लेते हैं, प्लेटफॉर्म में लिखते हैं, इसी वजह से कई ये जो घरेलू वाली और गली मोहल्ले वाली चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं ये आ पा रही हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जब तक आप इस माहौल में को जिएंगे नहीं, जब तक इस माहौल को फील नहीं करेंगे आप, और हम तो खैर उसी माहौल के हैं, हम तो खैर महलों में पैदा नहीं हुए हैं, हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं और ज़मीनी तौर पे ही सारी चीज़ों को देखा है। अपने इर्द गिर्द जितने भी किरदार आप देखते हैं तो सारे किरदार हमारे जो है हमारे सब रियल हैं, राइट, सारे के सारे। तो हमें जो चीज़ हम जिसके बारे में लिख रहे हैं, तो अगर मैं कोई गली का सीन लिख रहा हूँ तो मैं अगर उसे मैं 5-star होटल में बैठ के लिखूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। उसको मैं अगर उसी माहौल में देखें, कुछ ऑब्जर्वेशन हो और कुछ वैसी चीज़ बन जाती है, अच्छा लगता है। इसलिए लोगों का कनेक्शन भी एकदम से हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है मेरे आसपास ही हो रहा है, बिल्कुल होता दिखता है। और ऐसे किरदार जो है वो आपको टीका मलखान टिल्लू ये रियल करेक्टर्स हैं, अंगूरी रियल करेक्टर है, विभूति नारायण तो आपको जानते हैं कि हर जगह मिले, विभूति नारायण और तिवारी जो हैं वो ऐसे हर इंसान में विभूति नारायण है, हर इंसान में तिवारी। राइट राइट, क्या बात है। मैं हमेशा फिल्मों को बड़ा पसंद करता हूँ, टीवी को या विजुअल मीडियम को बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे ये लगता है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टीवी की अगर कोई शोले है तो वो है भाभी जी घर पर है, क्योंकि एक एक किरदार लोगों को नाम से याद है, एक एक किरदार की हरकतें याद है, एक एक किरदार का वन लाइनर याद है कि सक्सेना वन लाइनर क्या बोलते हैं, टीकू मकान क्या बोलते हैं, विभूति कैसे वो प्रेम चोपड़ा वाले स्टाइल में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें याद है। तो जब ये गढ़ रहे थे आपको लगा था कि ये इतना अच्छे से चिपक जाएगा लोगों के दिलो दिमाग पे? एक्सपेक्टेशंस तो आदमी जो रखता है कभी कभी पूरी नहीं होती हैं, और मैंने तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी कभी ज़िंदगी से तो पूरी नहीं होती थी, तो मैंने इससे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने कहा अपना काम कर रहे हैं हम, अगर चल गया तो चल गया। जब यहाँ शूट कर रहे थे हम लोग तो हम और शशांक बैठे हुए थे, तो उनके मुंह से ऐसे निकला, बोले जनाब या तो ये सीरियल जो है 1-1.5 महीने में बंद हो जाएगा, मतलब पूरा डिजास्टर्स हो जाएगा, या फिर ये ट्रेंड चेंज कर देगा। और ट्रेंड ये उनके अल्फाज थे, और ट्रेंड चेंज करके देखा, ट्रेंड चेंज कर दिया इसने जो मांगी कर बात, जबकि बीच में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हाँ, ये बात भी ये रेस में अव्वल बना हुआ है। अब जब राइटिंग कर रहे हैं और इतनी राइटिंग कर रहे हैं कि आपके 2-3 सीरियल एक साथ चल रहे हैं, उसके बाद एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार हो रही है कि एक किरदार जो इस सीरियल से हिट हुआ उसके ऊपर पूरा का पूरा सब्जेक्ट गढ़ा गया और सीरियल आ रहा है हप्पू सिंह। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमारे हम लोगों की टीम जब बैठी हुई थी ऐसे ही, तो
इस तरह का एक दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि हप्पू सिंह की जो पॉपुलरिटी है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके नॉर्थन साइड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ हो या बुंदेलखंड हो, कहीं भी आप जाएं, मतलब हप्पू की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा लखनऊ में तो है, तो जबकि बड़ा करप्ट किरदार लेकिन उसको लोग बड़े प्यार करते हैं। मतलब हप्पू के पास यूपी के डीजीपी का फ़ोन आया था। अच्छा, उसने कहा यार करेक्टर तो आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब करप्शन वाला है, लेकिन फिर भी हमें बहुत प्यारा लगता है। तो मतलब ऐसा करप्ट पुलिस वाला जिसको पुलिस वाले पसंद करते हैं। खुद बॉम्बे के एडिशनल डीजी साहब का भी हमें फ़ोन आया, वो सेट पे भी आए थे, सारे लोग विजिट करके गए हैं। और तो ये इस किरदार की जो लोकप्रियता थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको बनाया जाए, क्योंकि ये किरदार भाभी जी चलेगा, चल रहा है, उसके बाद भाभी जी चला गया अगर बाई चांस, तो फिर ये किरदार यहाँ तक ही सीमित ना हो, इससे कुछ अगर हो सकता है कि अगर कुछ एक आजमाइश कर ली जाए, कि एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर अगर हिट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी बाहुबली के बाद की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल सबके मन में था कि जो हप्पू सिंह है उनकी फैमिली कहाँ है, जो नौ बच्चे हैं वो कहाँ है, तो उसका जवाब मिलने वाला है इस सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो अब आपके पास काम भी बहुत अच्छा आ रहा है, और जो भी आप काम कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, सालों साल चल रहा है, उसके बाद अब अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो लोगों का प्यार मिल रहा है उसको आप कैसे देखें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई अवार्ड नहीं मिले, और मुझे बस मैं अपना काम करता रहूँ और लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। मुझे कुछ ये अवार्ड वगैरह की कोई लेना देना नहीं है, दर्शकों का जो प्यार होता है वो सबसे कीमती होता है, और वही तो चीज़ आपकी हिट कराता है या आपको वही फ्लॉप कराता है। तो वो जो जनता जनार्दन है वो सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे लिए, तो बाकी कोई अवार्ड की इच्छा नहीं है। आपने कहा कि पूरी आमद ऊपर से होती है, तो मतलब साफ है कि जितने भी किरदार आपने रचे हैं, गढ़े हैं, वो आपको ध्यान में आए और आपने उनको फिर डेवलप किया। बिल्कुल। बट एज ए डायरेक्टर आपको कितना हेल्प मिलता है या कैसे क्लैशेस भी होते हैं कई बार? नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, टच वुड, मैं इस बारे में मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि शशांक का जो सोचने का तरीका है और जो हमारा सोचने का तरीका है वो हम लोग सेम पेज में। ओके। वो उनको क्या चाहिए वो मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए वो उनको पता है। मैं जब सीन लिख रहा होता हूँ तो उन्हें पता रहता है कि वो क्या लिख के भेजेगा, और मुझे भी ये पता है कि वो क्या उसमें चार चांद लगाने वाला है। राइट राइट राइट। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़रूरी होती हैं कि किसी भी चीज़ को, और हम और डायरेक्टर ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम, हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हर्षदा जी, हर्षदा पोटनीस जी, वो खुद हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हम लोग सेम पेज पर रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर संजय कोहली साहब, बेनाइफर मैम तो मतलब बिजनेस उसमें लगी रहती है, लेकिन जो क्रिएटिवली हमारे साथ जो मीटिंग होती है तो संजय कोहली साहब बैठते हैं हमारे साथ में, वो भी सेम पेज पर, हम लोग एक दूसरे के साथ मजाक मस्तियाँ चलती रहती हैं, सारे मज़ा आता है बहुत। राइट। तो चीज़ें बनती रहें, पता भी नहीं चलता काम का। राइट। एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती रहती है, एक दूसरे की हम लोग खिंचाइयाँ करते रहते हैं, तो वही एक्टरों के साथ, जैसे हप्पू सिंह की हम लोग खिंचाई बहुत करते हैं, और हम और अनूप मिलकर के हप्पू सिंह की खिंचाई करते हैं, सब लोग, अभी तो टीका मलखान टिल्लू और आसिफ भाई, रोहित भाई, रोहित भाई की बहुत खिंचाई होती है, तो इस तरह की जो माहौल बड़ा पॉजिटिव माहौल रहता है, तभी तो वो लोगों को भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे पाता है। एक राइटर के तौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत अच्छे किरदार बन जाए, बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप हो जाए, फिर डिपेंड हो जाते हैं आप एक्टर पे, और यहाँ के जो एक्टर मिले हैं आपको, जो कास्टिंग हुई, वो भी ऐसा लगता है बस उसी के लिए बने थे। जी बिल्कुल, उसके लिए हमारी टीम का मैं बहुत मतलब इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि हम लोग बैठते हैं हम लोग, तो अगर मैं किसी एक्टर से अगर मैं मुतमईन हूँ कि नहीं नहीं ये अच्छा कर रहा है, तो अगर मेरा डायरेक्टर अगर उससे मुतमईन नहीं है तो मैं उसमें बहस में नहीं पड़ता हूँ। मैं बोला उसके जहन में अगर ज़रूर कुछ ना कुछ तो आ रहा है कि वो चीज़ वो ऐसे नहीं हो सकता, और बाद में हो सकता, बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि हाँ मैं गलत साबित हो जाता हूँ कि नहीं यार मैं गलत सोच रहा, और बेटर हो गया, और बेटर हो गया। आज बच्चा सर कोई उसको डांटता मारता बोलता आई लाइक इट, मेरे घर में खुद ये हालत है, तो आज वो किरदार इतना फेमस हो गया। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सारे एस्पायरिंग लोग सोच भी रहे होंगे कमाल का करियर है, राइटिंग करियर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जब घर में इरादा किया था या जब शुरुआत थी, आसपास के दोस्त रिश्तेदार जो इस फील्ड को अनसर्टेन समझते हैं जी, तब वो इत्तेफाक रखते थे आपकी सोच से? हाँ, लोगों ने विरोध जरूर किया, हमारे घर वालों ने विरोध किया, और भी लोगों ने चार बातें बनाई, जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है, जब आदमी बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तो फिर 50 रिश्तेदार भी आपके ऊपर लांछन लगा देते हैं, हीरो बनने गए हैं और ये है वो, तमाम तरह की आपको तंज मारे जाते हैं, तमाम ताने कसे जाते हैं, लेकिन बाद में जब आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाते हैं
तो वापस वो लोग फिर मतलब सेल्फी खिंचाते हैं। अरे बाप रे, मत पूछिए फिर। मनोज भाई, आप गाते भी हैं, लिखते भी हैं, तो एक आपकी आवाज में आपकी चीज आपके फैंस के लिए। क्या बात है, क्या सुनना चाहेंगे आप? जो आपको पसंद हो, जो आप गुनगुनाते हो सबसे ज्यादा अकेले। मैं ज्यादातर गजलें जो है गाता हूँ। ऐसी भी कोई याद आ रही है मुझे, तुम्हें जरा एक गजल है आशा भोसले जी ने गाई है, हरिहरन जी की कॉम्पोजिशन है, मैं उस टाइम पे बहुत गाता था। okay. तो मैं सुना देता हूँ। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम हो। अब एक शेर देखें जो भी मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो। क्या बात, क्या बात, मजा आ गया। आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और उसके बाद जो भी करते हैं बस कमाल करते हैं। लेकिन जो डायलॉग कमाल कर रहे हैं उसमें से जो आपको खूब मजे आते हैं और आप बीच बीच में उसको यूज भी करते हो नॉर्मल लाइफ में, जैसे पब्लिक कर रही है जी। मुझे तो बस अपने सीरियल के तो सारे डायलॉग ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे दिल के करीब है वो है सही पकड़े हैं। भाभी जी, वो हर्ट हो तो है। सही पकड़े हैं तो सही पकड़े हैं, और इसी तरह से पकड़ के रखिए सर। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लोगों को प्लीज हंसाते रहिए, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ कई बार जी, उनके दिल के ये करीब इतना पहुंच चुका है कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट आ गया, और ये एक राइटर के लिए शायद बहुत जज्बाती बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है वीरेंद्र जी। हंसना ही जिंदगी है, हंसने के अलावा बहुत सारी 50 टेंशन है, राइट? तो हमारा काम हम कर रहे हैं, भगवान ने, एक माँ ने बहुत अच्छा काम दिया हुआ है कि इस टेंशन भरी जिंदगी में जो है हम लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। तो ईश्वर ऐसे ही कराता रहे काम। तो ये ईश्वर दूत बनकर आप लोग को हंसाने का काम कर रहे हैं, इस तरह से ही आप हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच मनोज। थैंक यू। तो ये थे मनोज संतोषी जी, एक कमाल के राइटर, जिन्होंने की राइटिंग में एक ऐसा नाम बनाया जैसा कि हर राइटर बनाना चाहता है। लेकिन अगर मैं पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो साफ समझ में आता है कि जब लोग आपको समझते नहीं है या आपका साथ नहीं देते, तब भी चलना आपकी फितरत होना चाहिए, क्योंकि अंतर निरंतरता से ही आता है, और मनोज भाई ने वही किया। भले ही कोई साथ नहीं देता, कोई समझ नहीं था, लेकिन वो चलते गए। जबकि उनका पहला डिसीजन बायोलॉजी लेने का गड़बड़ साबित हुआ, उसमें ही वो फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि ये डिसीजन उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर जैसे शुरुआत मिली, जहाँ से शुरुआत मिली वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। राइटर के तौर पर असिस्ट किया, पहले सिर्फ कॉपी किया एटलीस्ट, लेकिन कॉपी करते करते चीज़ों को, पक्की बात है शायद वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, बहुत गहराई से फोकस के साथ चीज़ों को देखा होगा, तभी वो इतनी कमाल के राइटर बन पाए। और जो भी राइटिंग की वो इतने सालों साल तक की, उसके बाद जो दोस्त रहे वो आज तक दोस्त हैं। कामयाबी के शिखर पे सभी दोस्त एक साथ मिलकर कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। और आप लोगों को हंसा रहे हैं, इसी तरह से हंसते रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. I can, I-